सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। रिजर्व बैंक की ओर से पेटीएम पेमेंट बैंक पर की गई सख्ती के बाद ग्राहकों के मन में कई तरह की चिंताएं। आपकी हर चिंता को दूर करने के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक RBI ने FAQs यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने सवाल जारी करेगा। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रिजर्व बैंक पेटीएम को लेकर की गई कार्रवाई के बारे में लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए अगले सप्ताह FAQs जारी करेगा। शक्तिकांत दास ने आगे कहा, एक जिम्मेदार निमायक होने के नाते व्यवस्था के स्तर पर स्थिरता या जमाकर्ताओं अथवा ग्राहकों के हितों में संरक्षण को ध्यान में रखकर हम कदम उठाते हैं। हम बैंक और NBFC प्रभारी कदम नहीं उठाते, हम कारोबार से संबंधित पाबंदियां लगाते हैं। हमारा जोर हमेशा RBI के नियमितता दायरे में आने वाली इकाइयों के साथ द्विपक्षीय गतिविधियों पर होता है। हमारा ध्यान इकाई को सही कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने पर होता है। RBI गवर्नर ने आगे कहा, पेटीएम मामले में व्यवस्था के बारे में चिंता की कोई बात नहीं, हम केवल भुगतान बैंक की बात कर रहे हैं। यदि सभी चीजों का अनुपालन किया गया होता तो केंद्रीय रिजर्व बैंक किसी विनिमायक वाली इकाई के खिलाफ कार्रवाई क्यों करता। RBI के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन ने कहा कि लगातार गैर अनुपालन के लिए पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की गई, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। आपको बता दें, रिजर्व बैंक के गवर्नर की यह प्रक्रिया इसलिए भी अहम है क्योंकि कार्रवाई के बाद पेटीएम के शेयर बुरी तरह से क्रैश हुए। वहीं संकट के बीच हाल ही में पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI अधिकारियों से भी मुलाकात की। पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा, हम अपने यूजर्स और मर्चेंट पार्टनर्स को आश्वस्त करते हुए पेटीएम पेमेंट पूरी तरह से चालू है और हमारी सेवाएं अप्रभावित है। हम पेटीएम के मर्चेंट पार्टनर्स को निर्बाध सेवाएं देने के लिए बैंकों के साथ अपनी साझेदारी में तेजी ला रहे हैं। QR, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीनें हमेशा की तरह काम करती रहेंगी। हमारी सेवाएं पहले की तरह बिना किसी बाधा से चलती रहेंगी। खबरी चौखट की रिपोर्ट।